नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेल्सी बुटोलिया। बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं गुजरात के राजकोट स्थित कंपनी आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियां। 2011 में स्थापित आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड, जो कि कामधेनु ब्रांड नेम से रोल्ड स्टील उत्पाद यानी TMT बार बनाती है। कंपनी री हीटिंग फर्नेस और रोलिंग मिल में बिलेट से TMT बार बनाती है, जो मुख्य रूप से निर्माण उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास को पूरा करती है। आइए अब रुक करते हैं कंपनी के IPO की ओर। कंपनी का IPO NSE इमेज प्लेटफॉर्म पर 9 सितंबर को खुलकर 11 सितंबर 2024 को बंद होगा। कंपनी द्वारा बुक बिल्ड इश्यू प्रणाली से 10 रुपए फेस वैल्यू के 74 लाख शेयर प्राइस बैंड 59 रुपए से 62 रुपए प्रति शेयर पर जारी कर 45.88 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। IPO का मार्केट लॉट साइज 2000 शेयरों का है। IPO का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के वित्तीय प्रदर्शन पर। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने कुल राजस्व 515.98 करोड़ रुपए एवं 4.88 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2023 में 530.44 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 2.77 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 587.80 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 7.92 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी के वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि कंपनी का राजस्व एवं कर पश्चात शुद्ध लाभ वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 1.36% दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 4.62 रुपए का EPS अर्जित किया है। कंपनी का जुड़ाव राष्ट्रव्यापी उपस्थिति वाले कामधेनु ब्रांड के साथ है। कंपनी का 59,489 वर्ग में फैला विनिर्माण संयंत्र MTR और परीक्षण प्रयोगशालाओं श्रमिकों के आवास से सुसज्जित है। कंपनी की सौराष्ट्र क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है और कंपनी की 90% से अधिक बिक्री खुदरा नेटवर्क के माध्यम से मुख्य रूप से Tier 2 और Tier 3 शहरों में होती है। कंपनी ने 2017-18 से राजस्व में 26% से अधिक CAGR वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के पास तैयार माल के परिवहन के लिए 23 ट्रकों का अपना बेड़ा मौजूद है। कंपनी की निर्माण इकाई की कुल स्थापित क्षमता 108,000 MTPA है और जॉब वर्क के आधार पर 36,000 MTPA की अतिरिक्त क्षमता है। कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए और संयंत्र की स्थापना की है। कंपनी की निर्माण इकाई की कुल स्थापित क्षमता 108,000 MTPA है और जॉब वर्क के आधार पर 36,000 MTPA की अतिरिक्त क्षमता है। कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए और संयंत्र की स्थापना की है। चलिए अब आपका परिचय करवाते हैं कंपनी के प्रवर्तकों एवं उनके अनुभव से। 35 वर्षीय सनी सुनील सिंघी कंपनी के प्रमोटर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। वे 9 अक्टूबर 2021 से कंपनी में निदेशक पद पर है। उनके पास गुजरात विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है। वे ICAI के एसोसिएट सदस्य और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। 35 वर्षीय वरुण मनोज कुमार जैन कंपनी के प्रमोटर और गैर कार्यकारी निदेशक है। उनके पास इस्पात क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 36 वर्षीय वरुणा जैन कंपनी की प्रमोटर है। उन्हें इस्पात उद्योग में 7 वर्षों का अनुभव है। फिलहाल वे योहान एंटरप्राइजेस में पार्टनर भी है। तो यह थी गुजरात के राजकोट स्थित कंपनी आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियां। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज की डिजिटल खबरें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।